और ये देखो दोस्तों, ये रहा किराने का नया डोर। अरे चलो फिर इसी डोर से आज हम स्किप करेंगे। आ भाई ये डोर से स्किप करेंगे, क्या मस्त लग रहा है ये नया डोर। अरे हेलो दोस्तों, तो हम लोग आ गए हैं किरानी वन के अंदर। अरे लेकिन ये किरानी का घर मुझे थोड़ा थोड़ा अदला बदला सा क्यों लग रहा है। अरे यहाँ क्योंकि ये किरानी वन का एक नया मोड है। क्या बात कर रहे हो, किरानी वन का एक और नया मोड है। अरे यहाँ और इस मोड के अंदर ना बहुत कमाल कमाल की चीजें हैं। अच्छा ऐसी बात है क्या, वैसे क्या है इसके अंदर एक कमाल की। अरे यार इसके अंदर ना एक न्यू वेपन आया है और साथ ही साथ एक न्यू डोर एस्केप भी आया है। क्या बात कर रहा है भाई, एक और न्यू डोर एस्केप। और ये क्या किरानी, अरे कलमुहा निकल जाओ मेरे घर में से। अरे अभी तो हमारा पहला ही दिन था और ये किरानी ने हमें फटकार भी मार दी। चलो हमारा डे टू स्टार्ट हो चुका है। वैसे यार ये किरानी ने हमारा स्वागत तो बड़ा गंदा किया है। अरे यार ऐसे भी भला कोई स्वागत करता है क्या, पर इस किरानी की बच्ची को हम बता देंगे कि हम कौन है। और जल्दी से यहाँ पे वास गिराओ और किरानी से दरवाजा खुलवाओ। मैं आप भाई अब ये किरानी बुढ़वा बुढ़िया आएगी और जल्दी दरवाजा खोलेगी। खोल दे दरवाजा किरानी, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं तुझे हम। अरे यार किरानी जल्दी आओ दरवाजा खोल, लगता है बुढ़िया कहीं की सो गई है। अबे नहीं नहीं भाई, आ रही आ रही है, जल्दी आ जाओ भाई दरवाजा खोल दे। अरे यार आ गई बुढ़िया। चलो भाई बुढ़िया आ गई और हम लोग फटाफट से निकल लेते हैं। अरे यार निकलो यहाँ से, ये रही वेपन की। चलो लेट्स गो, हमें वेपन की मिल चुकी है तो जल्दी से पहले वेपन ही लेते हैं। अरे यार चलो पहले वेपन ही लेते हैं। अरे यार हट जाओ दरवाजा। और ये किरानी दरवाजा नहीं लगा सकती है, एक मामूली पुट्ठे लगा देती है। और भाई साहब यहाँ पे मिला हमें क्रॉसबो। अरे यार पहले इस किरानी को क्रॉसबो से ही मजा चखाएंगे। हाँ भाई आने दो उस किरानी को, ऐसी की तैसी ने कर दी ना ये किरानी तेरी भैंस की ये ले। चलो भाई किरानी का काम तमाम। चलो किरानी का काम तमाम कर दिया है, अबे यार भाई किरानी को छोड़ो और फटाफट से देखते हैं अबे यहाँ से क्या क्या मिलता है। अरे हाँ यहाँ पे तो बैटरी पड़ी हुई है, यहाँ पे बैटरी पड़ी हुई है और यहाँ पर अंदर रेंच पड़ा हुआ है। अरे यार ये डब्बे ने हमें अटका दिया। अबे यार ये डब्बे के बच्चे, अरे हट जाओ भाई हट जाओ। अरे यार ये डब्बे हमें अटका क्यों देते, अबे यार ये अंदर नहीं जाने दे रहा हमें। अरे जाने दो ना यार हमें अंदर। अबे हाँ यार ओ लेट्स गो अंदर आ गए। अरे वाह हम तो ऑटोमेटिक अंदर आ गए। चलो भाई हम अंदर आ चुके हैं, यहाँ पे टेडी बियर पड़ा हुआ है, यहाँ पे रेंच पड़ा हुआ है। अरे रेंच और टेडी बियर को छोड़ो। अरे यार रेंच और टेडी बियर नहीं, अभी तो हमें वो न्यू वेपन ढूंढना है ना। हाँ भाई वो न्यू वेपन हमें कहाँ से मिलेगा जो कि तूने बताया था। अरे मिलेगा मिलेगा टेंशन मत लो, कहीं ना कहीं से तो मिलेगा। अब कहीं ना कहीं से तो मिलेगा बट कहाँ से मिलेगा। अरे यार मिल जाएगा, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो। अबे हाँ भाई मिलना चाहिए क्योंकि मुझे वो नया वेपन देखना है। और लेट्स गो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं कार पार्क एरिया के अंदर और यहाँ पे हैमर पड़ा हुआ है। लेट्स गो भाई एक बार यहाँ देख लेते हैं यहाँ क्या मिलता है। और यहाँ पे तो लेटर और यहाँ पे व्हील पड़ा हुआ है। चलो भाई व्हील मिल चुका है, लेटर मिल चुका है, हैमर भी मिल चुका है। अरे यानी आज हम एस्केप करके रहेंगे। और भाई ये देखो ये कौन सा अजीब सा नया डोर है। अरे पता नहीं ये कौन सा डोर है, पता नहीं भाई ये कौन सा डोर है बट बहुत अजीब सा डोर है। और वैसे नया डोर कौन सा है। अरे वो नया डोर यहाँ पर नहीं है, तो मेरे पीछे आओ मैं तुम्हें बताता हूँ वो नया डोर कहाँ है। अच्छा भाई बता दे भाई कहाँ है नया डोर। अरे आओ तो मेरे पीछे तभी तो बताऊंगा। हाँ भाई आ रहा हूँ तेरे पीछे, लेट्स गो। यहाँ पे आ चुके हैं प्ले हाउस एरिया के अंदर। अरे यहाँ वो डोर यहीं पर ही है। और ये देखो दोस्तों ये रहा किरानी का नया डोर। अरे चलो फिर इसी डोर से आज हम एस्केप करेंगे। हाँ भाई ये डोर से एस्केप करेंगे, क्या मस्त लग रहा है ये नया डोर। और चलो जब तक पहले हम रेंज की मदद से देख लेते हैं हमें क्या मिलता है। हाँ भाई रेंज की मदद से देख लेते हैं हमें क्या मिलता है। लेट्स गो जल्दी जल्दी इसको घुमाते हैं। अरे यहाँ इसकी स्पीड तो बड़ी तेज है। हाँ भाई स्पीड तो तेज है भाई, जल्दी जल्दी घूम जा और देखते भाई इसमें से क्या मिलता है। अरे जरूर इसमें से कोई काम की चीज मिल जाए तो मजा आ जाएगा। हाँ भाई कोई काम की चीज मिले। अरे नहीं यार यहाँ पे तो कटिंग प्लेस मिला है। अरे यार कटिंग प्लेस का क्या करेंगे, हमें तो वैसे भी यार एस्केप करना है सिवर से। सिवर से एस्केप करना है भाई, सिवर से रिलेटेड सामान मिलना चाहिए। और यार हमें तो कुछ काम की चीज मिली नहीं यहाँ से। अबे यार हमारे साथ हमेशा पोपट होता है, हमें कोई काम की चीज नहीं मिली और शायद ग्रैनी जिंदा हो चुकी है वापस। अरे तो ग्रैनी को वापस से मारेंगे। और ये भाई ये सिवर का दरवाजा ऐसा अजीब सा क्यों हो चुका है। और यहाँ पे तो लॉक ही नहीं है, हम सिवर के अंदर कैसे जाएंगे। पता नहीं भाई कैसे जाएंगे बट कुछ ना कुछ जुगाड़ करके हम लोग जाएंगे अंदर सिवर के। अरे यार यहाँ पे देखते हैं ड्रॉवर्स में भी कुछ भी नहीं है। भाई ड्रॉवर में भी कुछ भी नहीं है। और देखो तो भाई यहाँ पे ये ग्रैनी का ये कितना बड़ा हो चुका है। अरे यहाँ पे देखो तो कितने सारे लॉक लग चुके हैं, अभी तरह तरह के लॉक लग गए। और देखना मुझे लग रहा है ग्रैनी यहाँ कहाँ से आने वाली है। अरे यहाँ यहाँ कहाँ से नहीं, यहीं से ही आएगी ग्रैनी। चलो भाई फिर जल्दी से क्रॉसबो लेकर आते हैं और ग्रैनी को उड़ाने का पूरा प्लानिंग करते हैं। अरे यहाँ वापस से ग्रैनी को उड़ाना होगा वरना ग्रैनी हमारी ऐसी कैसी करेगी। और ये क्या भाई ये डंडा यहाँ पे पड़ा हुआ है, लेट्स गो। हमें सिवर का डंडा भी मिल चुका है। चलो भाई सिवर का डंडा मिल चुका है और भाई ये तो कमाल की चीज हो गई। लेट्स गो जल्दी से यहाँ पे क्रॉसबो उठा लो। भाई क्रॉसबो उठा लेते हैं। और ग्रैनी वेयर आर यू ग्रैनी, अब तू नहीं बचेगी। अरे वो डंडा कहाँ चला गया। अबे यार वो डंडा कहाँ फेंक दिया, नीचे फेंक दिया क्या। अरे यार वो हमने यहीं पे तो ड्रॉप किया था, वो कहाँ चला गया। अबे यार ये बड़े लफड़े होते हैं यार। अरे देखो ग्रैनी आ गई। अरे कलमुआ निकलो मेरे घर में से। अरे ऐसे कैसे निकलेंगे, पहले तो जो मार तो दे। चलो भाई ग्रैनी का काम खत्म, बट वो डंडा कहाँ चला गया यार। अरे यार वो डंडा तुमने उठाया ही क्यों था। अबे यार उठा गलत लिया वो डंडा, पता नहीं कहाँ चला गया भाई वो डंडा। अरे यार कहाँ चला गया। और यार उस डंडे के बिना तो हम सिवर एस्केप कर ही नहीं सकेंगे। हाँ भाई उस डंडे के बिना सिवर एस्केप करना मुश्किल है ना मुमकिन हो जाएगा भाई, जल्दी से वो डंडा ढूंढ लो। अरे यार हमने ड्रॉप तो यहीं पर ही किया था ना, तुम
तुम्हारे सामने फिर कहा चला गया भाई। तो मैं कह रहा हूँ भाई यहीं पर ड्रॉप किया था, फिर कहा चला गया, कहीं नीचे तो नहीं चला गया। अरे चलो सबसे नीचे चल के देखते हैं। अब भाई सबसे नीचे चल के देखते हैं, नहीं भाई यहाँ पर भी नहीं है। अबे तो यहाँ पर नहीं है, ऊपर नहीं है, तो कहाँ गया वो डंडा? जमीन खा गई, आसमान निकल गया। अरे पता नहीं यार तुमने वो डंडा कहाँ कर दिया। अबे यार शिट यार, ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई, वो डंडा गायब हो चुका है। अरे पर हमें हैमर मिल गया, तो जल्दी चलते हैं हैमर की वजह से देखते हैं हमें क्या मिलता है। अब भाई लेट्स गो, चलते हैं हैमर की वजह से देखते हैं क्या मिलता है। अरे हमें ऊपर सिलेंडर के रूम में चलना होगा। अब भाई ऊपर सिलेंडर के रूम में चलते हैं, लेट्स गो। और यहाँ पे यार ये डब्बा वब्बा पता नहीं क्यों हमारे पैरों में आ जाता है। अरे वो नया वेपन भी तो नहीं मिला है अभी तक हमें। हाँ भाई वो नया वेपन नहीं मिला यार, वो नया वेपन पता नहीं कहाँ से मिलेगा। लेट्स गो, यहाँ पे खोल देते हैं सारे प्लैंक। अरे यहाँ सारे प्लैंक खोल दिए, चलो यार इधर प्लैंक लगा देते हैं। अब भाई यहाँ पर एक प्लैंक प्लेस कर देते हैं और इस तरफ हम आ चुके हैं प्लैंक के, और चलते हैं अंदर। अरे यहाँ हमें तो कोई नई चीज मिली नहीं रही है। हाँ भाई यार नई चीज पता नहीं क्यों नहीं मिल रही है। लेट्स गो यहाँ पे देखते हैं यार, ये ड्रॉवर्स भी दोनों खाली है। हाँ भाई ये दोनों ड्रॉवर्स भी खाली है, स्टैंड का टेडी बेयर लेके आना चाहिए हमें। अरे चलो उस पार चलते हैं। हाँ भाई लेट्स गो उस पार चलते हैं, और हम आ चुके हैं उस पार, और यहाँ पे वास पड़ा हुआ है एक। अरे यार यहाँ पर हमें नीचे झुक के चलना पड़ेगा, पर अंदर कॉकव्हील है और कोई काम की चीज है ही नहीं, तो अंदर चलने का कोई मतलब नहीं है। अरे यहाँ तो अंदर को छोड़ो और चलो इधर से चलते हैं वापस। हाँ भाई वापस चलते हैं। और ये क्या हो रहा है भाई, हम लोग चल क्यों नहीं पा रहे हैं? अरे यार ये फ्लोर को क्या हो चुका है पता नहीं भाई, हमारे पैर क्यों चिपक रहे इतने। हमें झुक के चलना पड़ेगा क्या? हाँ भाई लग तो ऐसा रहा है। चलो भाई यहाँ से सीधा नीचे चलते हैं। अरे हाँ हम लोग नीचे आ चुके हैं। चलो भाई लेट्स गो, हम लोग नीचे तो आ चुके हैं, बट मेरे को समझ में नहीं आ रहा यार वो डंडा कहाँ चला गया। अरे यार अगर वो डंडा हमें नहीं मिला तो हम एस्केप कैसे करेंगे भाई? दिक्कत वाली बात हो जाएगी एस्केप हमें करने के लिए, वो डंडे की जरूरत पड़ने वाली है, बहुत ज्यादा जरूरत है। और चलो यहाँ पे देखते हैं हमें इधर से क्या मिलता है भाई। यहाँ पे मेलन मिल चुका है, और भी देखते हैं हमें कोई कमाल की चीज नहीं भाई यहाँ पे, और कोई कमाल की चीज नहीं। यहाँ पे कौन सी की पड़ी है? अरे यहाँ पे शॉटगन की है। अब शॉटगन भाई, शॉटगन भी है क्या यहाँ पे? अरे यहाँ शॉटगन भी है। अब पर शॉटगन है कहाँ पर, उसकी लोकेशन तो पता करो। पता नहीं यार शॉटगन की लोकेशन है कहाँ पर, चलो देखते हैं। देखते हैं यार शॉटगन मिलनी चाहिए। और ये देखो भाई वो डंडा यहाँ पे आके गिर चुका है। अरे चलो हमें कम से कम वो डंडा मिल तो गया। हाँ भाई मेरी धड़कने तेज हो गई थी, मुझे लग रहा था वो डंडा नहीं मिलेगा, हम स्किप कैसे करते। अरे यहाँ पे तो मास्टर की मिली हमें, मास्टर की का क्या करेंगे भाई, मास्टर की को छोड़ो, ये वाला डंडा उठाओ और निकलो यहाँ से। और यार दोस्तों चलो हमें डंडा मिल चुका है, तो फटाफट से डंडे को यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। हाँ भाई, और ये देखो सामने से ग्रैनी आ गई है। अरे यार ग्रैनी को छोड़ो, अब ग्रैनी को छोड़ो नहीं, ग्रैनी को पकड़ो भाई, ग्रैनी हमारी हालत खराब करने वाली है। अरे यार ग्रैनी हमारी ऐसी की तैसी करेगी, अब डंडा फिर तुमने गिरा दिया। और चलो वापस से क्रॉस बो उठाते हैं। हाँ भाई वापस क्रॉस बो उठाते हैं और इसकी ऐसी तैसी करते हैं। अबे हैमर वापस यहाँ आ गया। अरे यार हैमर तो ऊपर ड्रॉप किया था, नीचे कैसे आ गया पता नहीं भाई, क्या ही चल रहा है। और जल्दी से यहाँ पे उठा लेते हैं ये क्रॉस बो, और लेट्स गो ग्रैनी फिर से आएगी। अरे यहाँ ग्रैनी की ऐसी तैसी करते हैं। अबे ग्रैनी आजा 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 आजा, ऐसे पट्टे से मारेंगे। अरे यार दिखाई तो नहीं दे रही है ग्रैनी, अबे होगी यहीं कहीं भाई, दिखाई नहीं दे रही बट यहीं कहीं होगी। ऊपर तो नहीं निकल गई ग्रैनी की बच्ची, अबे निकल सकती है, ये रही ग्रैनी, ये आजा आजा बेटा। बताते हो तुम लोगों को, अबे यार भाई आजा बता ले पहले पकड़ ले। और ये क्या भाई, अबे चली क्यों नहीं आ रही है? अरे यार तुमने बटन नहीं दबाया तो चलेगी कहाँ से? अबे शिट यार, अरे बच्चों भाग के जाओगे कहाँ अभी यहाँ से? अरे ग्रैनी जाएंगे हम नहीं, जाएगी तू। अच्छा देखती हो कैसे जाते हो। अरे इस ग्रैनी को हमें बताना पड़ेगा कि हम क्या चीज है। हाँ भाई ये ग्रैनी हमें हल्के में ले रही है, इसकी ऐसी की तैसी तो करनी पड़ेगी। अभी तो मैं जा रही हूँ लेकिन बाद में फिर आऊंगी। हाँ भाई निकल ले यहाँ से निकल ले, चलो भाई इसको जाने देते हैं। और ये पतली गली से निकल ली। अरे यार चलो हम लोग अंदर चलते हैं। हाँ भाई हम लोग अंदर चलते हैं स्टैंड के रूम में, और देखते हैं यहाँ से क्या मिलता है। अरे यहाँ फटाफट से यहाँ पे खोलते हैं ड्रॉवर्स। और ये क्या यार यहाँ पे कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है यार, स्टैंड के रूम में सच में कुछ भी नहीं है यार, लफड़ा हो जाएगा। और ध्यान से देखना ग्रैनी आगे से ना जाए। हाँ भाई ग्रैनी ना जाए, चलो भाई यहाँ पे उठा ले क्या। अरे नहीं अभी हमारा हमारे कोई भी काम का नहीं है। और अंदर देखो भाई वहाँ पे पड़ी हुई है सेवर की पैडलॉक की। अरे यहाँ सेवर की पैडलॉक की वहाँ पे पड़ी हुई है। और ये देखो हमें चेन कटर भी मिल गया, और ग्रैनी आ गई। छोड़ोगी नहीं? अब भाई साहब कितने दिन वेस्ट होंगे हमारे ऐसे। अरे आ गई ग्रैनी आ गई। अब यार ये हमारा पीछा क्यों छोड़ती है? अरे पता नहीं यार इसको हमसे क्या दुश्मनी है, ये हमारा पीछा नहीं छोड़ती। अबे यार पता नहीं क्या दिक्कत है इसको हमसे। चलो यहाँ पे ये ड्रॉप कर देते हैं, निकल लेते हैं यहाँ से। अरे यहाँ वरना फिर से आएगी पीछे पीछे, पीछा तो छोड़ती नहीं है ना ये। चलो भाई यहाँ से हम लोग निकल लेते हैं प्लेउस एरिया में। अरे यार देख लेते हैं प्लेउस एरिया में कुछ मिलता है क्या। अब देखते हैं, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है यार। अरे यार हमारे साथ तो बड़ा स्कैम होता जा रहा है। अरे ये डंडा हमारा यहाँ पे कहाँ पे आ गया? अब यहाँ पे पता नहीं कहाँ से आ गया डंडा। और ये देखो यहाँ पे शॉटगन की पड़ी हुई है। अरे लेकिन शॉटगन हमें मिलेगी कहाँ से वो पता करो ना। पता नहीं भाई शॉटगन कहाँ से मिलेगी, पर हमें यार मिल चुका है यहाँ पे बहुत सारा सामान। अरे हमें बहुत सारा मतलब कि देखो यहाँ पे हमें लगभग सभी आइटम मिल चुका है। अब सिवर से रिलेटेड हमें सारा आइटम मिल चुका है। और यहाँ पे देखो वापस से हैमर आ गया। अरे हैमर हम ऊपर छोड़ के आए थे, ये हैमर नीचे कैसे आ गया पता नहीं भाई, हैमर नीचे कैसे आ गया। और ये क्या ग्रैनी? अरे छोड़ के नहीं बेटा, रुक तो जाओ। हाँ भाई आजा, दम है तो पकड़ ले हमें, तेरी ऐसी ऐसी बड़ा दिमाग खराब करती है ग्रैनी। अरे टेंशन क्यों ले रहे हो, अब हम एस्केप चुटकियों में करेंगे। हाँ भाई अब तो यहाँ से निकलना ही है भाई, ये ग्रैनी ने
बड़ा दिमाग खराब किया है। अरे यार इस ग्रैनी को हमें स्किप करके दिखाएंगे। अब भाई कुछ भी हो जाए ग्रैनी के घर में से निकलना ही है। अरे यार चाहे कुछ भी हो जाए अब जमीन आसमान एक हो जाए पर ग्रैनी के घर में से निकलेंगे। एच को भाई चलते जल्दी से नीचे और यहाँ पे पड़ा हुआ था कटिंग प्लेयर्स। अरे यहाँ जल्दी से कटिंग प्लेयर्स को उठा लेते हैं भाई। ये इस वाले मोड में ग्रैनी की चीजें जो है ना वो कहीं भी आ जा रही है। अरे यहाँ पहले वो हमें कहीं और दिखी थी और हमें कहीं और दिख रही है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है बट मजा बहुत आ रहा है। आप लोगों को मजा आ रहा हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो जल्दी सब्सक्राइब करना और यार जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। अब भाई जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया ना जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। और हम लोग फटाफट चलते हैं स्टेंडा के रूम में। अरे यहाँ क्योंकि हमें यार पंखे की वायर कट करनी है और वहां से सिवर की कीपैड लॉक की लेनी है। अब भाई लेट्स गो हम लोग आ चुके हैं नीचे और आराम से चलते हैं और फटाफट से चलते हैं इसके अंदर। अरे यार हमें झुक के ही चलना पड़ेगा। लेट्स गो हम लोग झुक के चलते हैं नीचे और जल्दी से पंखे की वायर कट कर देते हैं। ये मिल चुकी है हमें यहाँ पे पैडलॉक की। अरे यहाँ चलो निकलते हैं यहाँ से। लेट्स गो भाई फटाफट से यहाँ पे हमने इसको खोल दिया है। ग्रैनी आया उससे पहले निकल लेते हैं। अरे क्या मतलब है कि ग्रैनी आ चुकी है। अब भाई ग्रैनी आ तो चुकी है और यहाँ पे ग्रैनी आ चुकी है। हम लोग यहाँ से पतली गली से निकलते हैं। अरे यहाँ निकल लो जल्दी निकल लो भाई ग्रैनी इससे पहले कि हमें देखे। हम फटाफट से यहाँ से निकल लेते हैं और यहाँ हमें सिवर की पैडलॉक भी मिल चुकी है तो यानी हम सिवर में जाने के लिए रेडी है। अबे लेकिन हमें एक व्हील लेकर आना है। फटाफट से हम लोग व्हील लेकर आते हैं। व्हील मुझे पता है कहाँ पे पड़ा हुआ है। अरे पता है तो जल्दी से बताओ ना कहाँ है। हाँ भाई चल रहे हैं व्हील लेने ही चल रहे हैं। यहाँ पे पहले पैडलॉक को ड्रॉप कर देते हैं। सारा आइटम आ चुका है। बस भगवान से यही प्रार्थना करना कि ये जो सारा सामान है ये यहाँ से गायब ना हो जाए। हाँ भाई यहाँ पे बहुत सारा सामान जो है वो गायब हो जाता है ग्रैनी के घर में लेकिन भाई इस बार गायब नहीं होगा मुझे विश्वास है। अरे लेकिन यहाँ पे शॉटगन कहाँ पर है। अबे शॉटगन को छोड़ो भाई यहाँ से एस्केप करना है उसकी कुछ प्लानिंग करो। अरे प्लानिंग तो सारी हो चुकी है बस यहाँ से निकलना ही तो है हमें। अबे यहाँ पे व्हील पड़ा हुआ था। अबे व्हील कहाँ चला गया। अरे यार व्हील तुमने पक्का यहीं पर ही देखा तो यहीं पर ही था भाई व्हील। आई डोंट नो यार व्हील कहाँ चला गया। यार व्हील का जुगाड़ करना पड़ेगा। अरे व्हील के बिना एस्केप नहीं होगा क्या। नहीं भाई व्हील के बिना एस्केप नहीं हो सकता। व्हील हमें चाहिए क्योंकि सारा जो उसने लॉक करके रखा है ग्रैनी ने। और चलो दोस्तों देखो हमें व्हील मिल चुका है। चलो भाई साहब व्हील मिल चुका है फटाफट से चलते हैं सीधा सिवर के अंदर। और चलो सीधा चलते हैं हम लोग सिवर के अंदर। आ भाई चलो लेट्स गो। पर यहाँ पे तो लॉक है। अरे टेंशन मतलब हम लोग डायरेक्ट नीचे जा सकते हैं। वाह यार भाई साहब सीधा हम लोग नीचे आ चुके हैं। लेट्स गो सिवर के अंदर और फटाफट चलते हैं नीचे। अरे यार चलो चलते हैं जल्दी से नीचे। अरे यार चलो लेट्स गो चलते हैं नीचे। और ये आ गए हम सिवर के नीचे। चलो भाई नीचे आ चुके हैं। और भाई सिवर तो कितना अजीब सा लग रहा है यार। अरे यार कुछ अजीब सा ही बना रखा है सिवर को भाई। बना तो अजीब सा रखा है। और भाई स्पाइडर एंजेलिना होगी क्या यहाँ पे। अरे होगी जरूर होगी। भाई साहब देख रहे हो कैसे स्पीड में निकली है यहाँ से। अरे यार स्पीड में निकली तो बहुत तेज है भाई। आराम से हमें जाना है और जल्दी से यार इसको हमें लगा देना है। अरे यार इस व्हील को लगाएंगे तब ये सिवर पूरी अनलॉक होगी। भाई सिवर को पूरा लॉक कर रखा है। लेट्स गो भाई यहाँ पे अनलॉक हो चुकी है सिवर। अरे यार चलो निकलते हैं यहाँ से फटाफट से भाई यहाँ से निकल लेते हैं भाई इससे पहले कि स्पाइडर एंजेलिना में आ जाए। अरे लेकिन यहाँ पे अंधेरा कितना ज्यादा है। अब यहाँ यार यहाँ पे तो बहुत ज्यादा अंधेरा है यार। अरे यार ये टॉर्च भी काम नहीं कर रही है। मैं यहाँ भाई पर चलो हम लोग आ चुके हैं वापस से। अरे यहाँ फटाफट से यहाँ पे चलते हैं और एक एक करके सारा सामान लेकर आते हैं। और ये क्या भाई ये हम कार टेलीपोर्ट हो गए। अरे ये तो हम कार पार्क एरिया के इधर टेलीपोर्ट हो गए डायरेक्ट। भाई साहब ये तो अलग ही चीज हो गई। डायरेक्ट कार पार्क एरिया के इधर आ गए हम लोग। और ये क्या हम उठ क्यों नहीं पा रहे हैं। अरे यार हमारा आराम से देखना ग्रैनी ना हो आजू बाजू। भाई ग्रैनी हुई तो लफड़ा हो जाएगा। ग्रैनी नहीं देखनी चाहिए हमको। अरे यार ग्रैनी ने हमें देख लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। चलो भाई एक काम करते हैं फटाफट से यहाँ पे डंडा लेके चलते हैं सबसे पहले। अरे यार डंडा लेके चलते हैं सिवर के अंदर। और भाई साहब चलो डंडा लेके सिवर के अंदर आ चुके हैं आराम से। भाई आराम से ये क्या हो रहा है। अरे हम डायरेक्ट सिवर के अंदर आ चुके हैं। अब भाई डायरेक्ट सिवर के अंदर तो आ चुके हैं बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है रास्ता अभी तक। अरे यार स्पाइडर एंजेलिना ना हो यहाँ पर। हाँ भाई स्पाइडर एंजेलिना होगी ना तो लफड़ा हो जाएगा। आराम से चलते भाई बस सामने से स्पाइडर एंजेलिना ना आए। अरे यार अगर वो आ गई तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। चलो भाई सिवर के अंदर चलते हैं। आई थिंक हम लोग सिवर के अंदर ही जा रहे हैं। अरे यार आई थिंक हम सही जा रहे हैं। लेट्स गो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे। फटाफट से डंडा लगा देते हैं। अरे यार यहाँ पे हमें कटिंग प्लेस लेकर आना है और यहाँ पे फिर लॉकी लेकर आनी है। और यहाँ पे फटाफट से चेन कटर लेकर आते हैं। हाँ भाई फटाफट से चेन कटर लेकर आते हैं। रास्ता याद करके चलना। अरे यहाँ हमें रास्ता याद करके चलना पड़ेगा क्योंकि ऐसे तो हम रास्ता भूल जाएंगे। हाँ भाई आराम से चलते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। निकल लेते हैं फटाफट से। और भाई थोड़ा सा आगे और मिल गया हमें रास्ता। अरे चलो फटाफट से हम दो की और लेकर आते हैं। हाँ भाई दो और की लेकर आते हैं। और ये देखो भाई डायरेक्टली हम लोग सीधा टेलीपोर्ट हो गए यहाँ पर। अरे ये चमत्कार कैसे हो रहा है। पता नहीं भाई कैसे चमत्कार हो रहा है। हम डायरेक्टली टेलीपोर्ट हो जा रहे हैं। ग्रैनी का मोड बड़ा अजीब सा और कमाल का है। अरे यार मस्त मोड है यार ये तो। भाई मस्त तो है। लेट्स गो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे। फटाफट से चलते हैं ग्रैनी ना हो और फटाफट से उठा लेते हैं चेन कटर। अरे ऐसे में कितने राउंड मारने होंगे भाई। टोटल 3 राउंड मारने होंगे। आराम से भाई चलते हैं और हम आ गए सिवर के अंदर। अरे यहाँ चलो सिवर के अंदर आ चुके हैं। अब जल्दी से चलते हैं। भाई जल्दी से चलते हैं और अपना काम खत्म करते हैं। और हमें वापस से यहाँ से चलना होगा। हाँ भाई वापस से यहाँ से चलना होगा। बस स्पाइडर एंजेलिना ना आए भाई फिंगर क्रॉस कर लो। अरे यहाँ अगर स्पाइडर एंजेलिना आ गई तो गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ नहीं भाई बहुत बड़ा घोटाला हो जाएगा। वो हमारी ऐसी की तैसी कर देगी। और लेट्स गो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे। अरे यहाँ चलो यहाँ पे चेन कट कर देते हैं भाई। बस लास्ट चीज़ हमें लेकर आनी है। और यार जो की है वो की। हाँ भाई जल्दी से वो की लेकर आते हैं। वो की एक बार हमें लेकर आ गए ना तो बस यहाँ से एस्केप हो जाएगा। अरे यार हमें एस्केप तो करके ही रहना है भाई चाहे कुछ भी हो जाए। भाई एस्केप तो करना है गाइस। आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करके
चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अरे यार गाइस आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो हम लोग स्किप कर लेंगे। अरे यहाँ अगर आप लोग लाइक नहीं करोगे तो हम स्किप नहीं कर पाएंगे, ऐसे जल्दी से लाइक करो। हाँ यार जल्दी लाइक करो और लेट्स गो भाई, ग्रैनी से बच बचा के चलना पड़ेगा। अरे यहाँ ग्रैनी हमें ना देखे, ग्रैनी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, आराम से चलते हैं, बस ग्रैनी ना हो यहाँ पे। अरे नहीं ग्रैनी नहीं है, चलो भाई ग्रैनी नहीं है, बस एक बार ही हम लोग को की लेके पहुंच जाए। अरे यहाँ चलो ये रही की, फटाफट से चलो। हाँ भाई लेट्स गो, हम लोग फाइनली आ चुके हैं सिवर के अंदर, चलो फटाफट से चलते हैं। हाँ भाई चलो लेट्स गो, हम लोग चलते हैं सिवर के अंदर और जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। अरे यहाँ बहुत देर हो गई है, फाइनली यहाँ से निकलना होगा। अब भाई यहाँ से निकलने में भलाई है, लेट्स गो भाई जल्दी से निकलते हैं। अरे यहाँ गाइस आप लोग लाइक कर दो, अब भाई जल्दी जल्दी लाइक करो यार, सिवर एस्केप होने वाला है। और यार इस नए मोड में से भी हमने सिवर एस्केप कर लिया है ना, कमाल की बात, कमाल की तो बहुत ज्यादा है। चलो भाई हम लोग आ चुके हैं, लेट्स गो, यहाँ पे लग गई की और फाइनली हम यहाँ से निकल चुके हैं। अरे यहाँ गाइस देखा, फाइनली हमने यहाँ से कर लिया सिवर एस्केप। अरे लेकिन अगली बार में तो मैं नहीं छोड़ूंगी भाई साहब, देख रहे हो इनकी आंखें कितनी ज्यादा लाल है। अरे यार एकदम पूरी लालम लाल आंखें हैं भाई, अजीब सा ही भरा रखा है। एनीवेज गाइस आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर देना। अरे यार अगर आपको ये वाला मोड पसंद आया तो लाइक जरूर से कर देना। बाय बाय।